हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित हूं। मैं जय प्रोटेक्ट पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं लाया हूं आप लोग के लिए एक मोबाइल टेलीस्कोप लेंस, जो एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मुझे लगा ऑनलाइन। तो मैंने इसे परचेस किया और मैंने इसे पर्सनली यूज भी किया, तो मुझे इसका क्वालिटी मुझे बेटर लगा, इसलिए मैं इसका वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, ये मोबाइल कैमरा के लिए लेंस आपको मिल जाता है ट्राइपॉड के साथ। आजकल लोग फोटोशूट वगैरह करने के लिए लेंस वगैरह बाय करते रहते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे और देखते हैं ये लेंस कितना यूजफुल हो सकता है हमारे लिए और इसका इमेज क्वालिटी कैसा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह जान सकें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह नए नए वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मोबाइल फोन टेलीस्कोप लेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ट्राइपॉड के साथ ये लेंस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस देखने को मिल जाती है, इस तरह का यहाँ पर ये फोटो शूट करता है। तो अभी हम भी इसकी क्वालिटी को देखते हैं कि इस पे जो बताया हुआ वो उतना बेटर है क्या। यहाँ नीचे आपको इंजॉय ब्यूटीफुल नेचर व्यू, बर्ड्स वॉच, स्पोर्ट्स, मतलब ये सारी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं इस कैमरे लेंस को। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीन चीज यहाँ पर आपको इस बॉक्स में देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ट्राइपॉड देखने को मिल जाता है जिसपे आप लेंस को लगाकर फोटो शूट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लेंस देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक मोबाइल होल्डर मिल जाता है और लेंस को सेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक होल्डर टाइप यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम ट्राइपॉड की बात करें तो यहाँ पर ये छोटा सा ट्राइपॉड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो प्लास्टिक से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम लेंस की बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर आपको लेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 8x का जूमिंग लेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसकी मटेरियल क्वालिटी की बात करते हैं, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का यूज करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक रोटेटिंग के लिए दिया हुआ जिससे आप जूमिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेंस ऊपर और नीचे यहाँ पर आप देख सकते होते हुए। तो सबसे पहले लेंस को साफ कर लेते हैं आगे की तरफ, ताकि अगर थोड़ा भी कुछ धूल मिट्टी लगा हो तो अच्छे से तो वो साफ हो जाए और फिर क्लियर फोटो कैप्चर करते हैं। तो अभी हम कुछ फोटो शूट करते हैं और वीडियोस भी शूट करते हैं और देखते हैं इसका क्या क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और देखते हैं कितना जूमिंग कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको मोबाइल सेट किस तरह करना है। तो इसे यहाँ पर आपको टाइट कर लेना है पहले अच्छे से, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल को लगा लेना है इस तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल इस तरह यहाँ पर सेट हो गया। तो यहाँ पर अभी हम इसे ढीला करते हैं और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर ले लेना है इसे घुमाकर, और यहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट अपने सर्कल में लेना है इस तरह कैमरे को। उसके बाद यहाँ पर लेंस को आपको लगा लेना है इस तरह अच्छे से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रू टाइप यहाँ पर बनाया हुआ है और यहाँ पर आपके होल्डर के नीचे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इस तरह इस ट्राइपॉड में इसे लगा लेना है इस तरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह ट्राइपॉड लग गया है। यहाँ पर आपको एक हैंडल टाइप मिल जाता है जिससे आप अपने ढीला करके इसे कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं इस तरह, और जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन में आप इसे टाइट करके सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह यहाँ पर सेट हो गया है। तो अभी हम कुछ फोटो शूट वगैरह करते हैं और देखते हैं क्या इसका क्वालिटी किस तरह का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, तो अभी मैं यहाँ पर कैमरा ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मोबाइल के नॉर्मल कैमरे से कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सामने बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं वो कितनी दूर यहाँ से नजर आ रही है। अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इमेज यहाँ पर फटता हुआ नजर आ रहा है। जितना ज्यादा जूम करूंगा उतना ज्यादा इमेज यहाँ पर फट रहा है और बहुत ज्यादा नॉइस इसके अंदर आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप जैसे कि देख सकते हैं सब कितना दूर यहाँ पर नजर आ रहा है, जूम करने पर इमेज फट रहे हैं। अगर मैं इसे नॉर्मल वापस ले लेता हूँ, जूम आउट कर लेता हूँ, तो अभी मैं यहाँ पर लेंस को लगा लेता हूँ, फिर हम देखते हैं इस तरह। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लेंस को लगा लिया है। लेंस लगाने के बाद यहाँ पर जब हम मैं ऊपर कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैरिटी, आप देख सकते कितनी बढ़िया यहाँ पर क्लैरिटी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो सर्कल दिखा रहा है उसे आप हटा सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप जूम कर लें तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्कल कट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सामने वाली बिल्डिंग थी वो जूम करने में कितना ज्यादा फट रही थी और इतना ज्यादा जूम भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर लेंस को लगाने के बाद जब वहाँ मैं फोकस इतना किया हूँ तो आप देख सकते हैं एक एक चीज भी आप देख सकते हैं बिल्डिंग में। अगर मैं और जूम करता हूँ तो और भी ज्यादा चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग में साइकिल आप देख सकते हैं, एसी कहाँ पर है,
कौन सी चीज कहाँ रखी वो चीज यहाँ पर आप बहुत ही बारीकी से देख सकते हैं। यहाँ पर बिल्डिंग का टॉप भी आप देख सकते हैं कितना क्लियर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और भी ज्यादा यहाँ पर जूम हो सकता है तो आप देख सकते हैं कितना बेटर क्वालिटी यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। थोड़ा भी नॉइस इस इमेज में आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जो डॉट डॉट होते हैं हमारे इमेजेस में जब हम जूम करते हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर एक फोटो ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आप फोटो को देख सकते हैं, यहाँ पर आप फोटो को देख सकते हैं, ज्यादा नॉइस इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कितना क्लियर आप देख सकते हैं हर एक चीज को बारीकी से। इसके अंदर आप दो मोड पे क्या इमेजेस ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप अपने सामने वाली चीज को फोकस में लाना चाहते हैं तो आपको इसका जो लेंस होता है, जैसे मैं आपको रोटेट करके दिखाया था, अगर आप लेफ्ट की साइड रोटेट करते हैं तो जो फ्रंट वाली चीज होगी वो फोकस में आ जाएगी और बैक का जो चीज रहेगा वो ब्लर हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था मेरे विंडो पे जो प्लांट था उसका पत्ता जो है वो कितना जूम मैंने कर लिया है और कितना क्लियर दिखा रहा है, और पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो गया लेफ्ट में रोटेट करने से। अब मैं यहाँ पर राइट की तरफ अगर रोटेट करता हूँ लेंस को तो ये सामने वाला चीज जो फोकस में था वो ब्लर हो जाएगा सामने का, और बैकग्राउंड वाला फोकस में आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह। इस बिल्डिंग को भी आप देख सकते कितना क्लियर यहाँ पर देखने को मिलता है, और थोड़ा जूम करता हूँ तो और ज्यादा क्लियर यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप डिश एंटीना को भी देख सकते हैं जिसपे नाम मिट चुका है, एयरटेल लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इमेज में, मतलब इतना क्लियरिटी यहाँ प्रोवाइड कर रहा है कि आप यहाँ पर एयरटेल लिखा हुआ देख सकते हैं जो कि मिट भी चुका है। अगर मैं नॉर्मल कैमरे पे आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दूर है वो डिश एंटीना, वहाँ आप देख सकते हैं। जूम करता हूँ तो आप देखिए, तो यहाँ पर डिश एंटीना ही क्लियर नहीं दिख रहा है तो लिखा हुआ तो दूर की बात है। उसी जगह पर अगर मैं लेंस को लगा लेता हूँ जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो तब मैं इसे जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते क्लियरिटी देख सकते कितना क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जूम में भी थोड़ा भी नॉइस यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जो मस्जिद का पिल्लर है वो भी कितना क्लियर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। नॉर्मल कैमरे पे आप देख सकते हैं इसे, देख सकते हैं कितना दूर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन इसे लेंस को लगाने के बाद, लेकिन लेंस को लगाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरिटी। वीडियो मोड पे भी अगर हम देखें तो एकदम क्लियर यहाँ पर आपको वीडियो मोड पे भी देखने को मिल जाता है, इतना मतलब परफेक्ट जूमिंग में भी इतना क्लियरिटी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा भी इमेज फट नहीं रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ इस लेंस से, तो मुझे ये लेंस बहुत ही बहुत पसंद आया। तो आपने जैसे कि देखा इसका क्वालिटी बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको मिल जाता है। इमेजेस वगैरह इस लेंस को लगाने के बाद जो आप नॉर्मल कैमरा जूम करते हो वो इमेजेस फटते हैं या उसके पिक्सल फटते हुए आप देख सकते थे, तो पूरी क्लियरिटी इमेज में नहीं मिलती है, लेकिन इस लेंस को लगाने के बाद वो पिक्सल्स बिल्कुल भी यहाँ फटते हुए मुझे नजर नहीं आए लेंस में। हाँ, थोड़ा बहुत मोबाइल के कैमरे पे भी डिपेंड करता है, कितना मेगापिक्सल का आपका कैमरा है, क्लियरिटी कैसी कैमरे की, थोड़ा बहुत उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन लेंस को लगाने के बाद जो जूमिंग ये देता है आपको, जितना ज्यादा जूमिंग, वो बहुत ही ज्यादा मुझे बढ़िया लगा इस लेंस का। तो हमने कुछ इमेजेस लिया था, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेजेस मैंने लिया था, देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कितना क्लियरिटी आपको इस इमेजेस में देखने को मिलता है। आप थोड़ा भी जूम करते ये इमेज फटते हुए नजर नहीं आते यहाँ पर, आपको देख सकते हैं ज्यादा नॉइस इस इमेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बाकी अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरिटी कितनी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है, नॉइस फटते हुए यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। यहाँ लेंस लगाने के बाद ये क्लियरिटी यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं इस लेंस की तो बहुत ही बढ़िया लेंस मुझे लगा ये, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल लेंस भी मुझे लगा। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस वाले फोटोशूट करना चाहते हैं तो आप इस लेंस को बाय कर सकते हैं, जिस प्राइस से मिल रहा उस हिसाब से यहाँ पर इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और क्लैरिटी भी बहुत अच्छी यहाँ पर ये प्रोवाइड कर रहा है। मैंने और भी दो तीन लेंस पे वीडियो बनाए, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है इस प्रोडक्ट को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।